राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना को लेकर पिछले वर्ष भी हमने यही प्रश्न लगाया था कि केंद्र से राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को मिले और आखिर क्या कारण है कि 31 मार्च 2012 जो समय अवधि ठेकेदार की समाप्त हो गई कार्य पूर्ण करने की उसके बाद भी अभी तक कार्य शेष रह गए, जिस पर माननीय मंत्री जी ने जो आज उत्तर दिया सेम उत्तर पिछले विधानसभा में पिछले साल 2012 को दिया था कि 30 जून तक हम ये सारा काम जितना भी शेष रह गया था वो करा लेंगे विद्युतीकरण योजना। एक तरफ केंद्र लगातार पैसा दे रही है योजनाओं में, दूसरी तरफ ये पैसा लैप्स करते जा रहे हैं, तीसरी तरफ ये केंद्र के ऊपर आरोप भी लगाते जा रहे हैं कि केंद्र से सहयोग नहीं मिलता, केंद्र से राशि नहीं मिलती। मैं अभी आज जो मैंने प्रश्न लगाया वो यही प्रश्न था कि केंद्र की राशि पूरी आ चुकी है, आपने एडवांस के तौर पर ठेकेदार जितने का काम हुआ उससे डेढ़ पैसा ले लिया, उसके बाद में आपने समय अवधि खत्म होने के बाद ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता? लेकिन जवाब आप सबके सामने था कि अभी और 4 महीने का समय लगेगा। मैं इस पर ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये संपूर्ण सरकार एकदम असत और झूठ के पुलिंदे पर सवार होकर चल रही है। इस सरकार में कनिष्ठ से कनिष्ठ अधिकारी और छोटे से छोटा जो भाजपा का नेता से लेके जो शीर्ष पद पे बैठे माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केवल असत और झूठी घोषणा के अलावा कुछ नहीं करे। आज से 4-5 दिन पहले छतरपुर के राजनगर विधानसभा सीट के बरेठी गांव में गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां घोषणा करके आए कि हम 50,000 रुपए हेक्टेयर ओला पाला का मुआवजा देंगे, और अभी जब मुआवजा का वितरण हो रहा है तो 6-8 हजार रुपए का मुआवजा दिया है। तो बोलना कुछ करना कुछ। मैं तो आज बड़े दुख के साथ आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मुझे 4 वर्ष पूरे हो गए, 4.25 वर्ष हो गए विधायक बने। मैंने जनहित के जितने मुद्दे उठाए, जितनी समस्याएं उठाई, हर एक समस्या पर हर एक मुद्दे पर विधानसभा में सम्माननीय मंत्रियों ने एक ही तरीके का जवाब दिया कि कार्य प्रगति पर, शीघ्र कार्रवाई कर दी जाएगी, प्रकरण का निपटारा कर दिया जाएगा, दोषी अधिकारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी जांच करा के उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज जो आपको बताया गया कि प्रश्न संघर्ष समिति में आप जा सकते हैं, तो ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर विधायक को अगर जवाब संतुष्ट नहीं होता है तो प्रश्न और संघर्ष समिति में जाते हैं। हम 3.5 साल से प्रश्न और संघर्ष समिति में प्रदेश के कई गंभीर मुद्दों को लेके गए, लेकिन वहां से भी हमको कोई राहत नहीं मिली। विधायक बने थे कि विधानसभा के अंदर अगर विपक्ष में तो एकमात्र हमारे पास ये साधन है कि हम विधानसभा के अंदर अपनी बातों को उठाएंगे, जनता के हितों की बातों को उठाएंगे, अगर कहीं कोई गड़बड़ी आ रहा तो उसको उठाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 4.25 साल के कार्यकाल में विधानसभा से जो हमको उम्मीद थी वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई। एग्जैक्ट गिनती तो नहीं है लेकिन 7-8 मामले ऐसे हैं जो प्रश्न संदर्भ समिति में चल रहे हैं। प्रमाणित होता है कि प्रिंसिपल अपने चैम्बर में बड़वारा स्कूल में, कटनी जिले के बड़वारा स्कूल में अपने चैम्बर में बैठ के शराब पीता है, मुर्गे मटन खाता है, वो पुलिस FIR तक दर्ज हो जाती है, उस प्रिंसिपल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, सिर्फ वेतन वृद्धि रोकने का आदेश होता है। एक प्रिंसिपल सरकारी स्कूल का बच्चों से 1 रुपये फीस जहाँ नहीं ली जानी चाहिए थी वहाँ से 45-45 रुपये फीस वसूलता है और हजारों रुपए फीस वसूल करके रख लेता है और उसके बैंक अकाउंट से पैसा मिल भी जाता है, उसके बाद भी उस स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। एक रेंजर जो एक जमीन रोड के लिए 6 लाख रुपए दिया गया था उसमें 1,80,000 रुपए मेरे गाँव की रोड, जहाँ से मैं विधायक हूँ विधानसभा क्षेत्र में मेरे गाँव की रोड, उसमें 6 लाख रुपए मैंने दिया, उसमें 1,80,000 रुपए वो रेंजर निकाल के खा गए और एक तसला तगाड़ी गिट्टी रेता मुरुम कुछ नहीं पड़े, उसकी शिकायत करते जान जारी है। फीडर सेपरेशन का काम मेरे जिले में लगभग 30% हो गया है और एक आंकड़े यहाँ बताते हैं कि 90% काम पूरा हो गया। थोड़ा थोड़ा तो अधिकारियों के कार्रवाई से लगता है और एक थोड़ा दुखी होता है कि शायद मंत्रियों का ये दायित्व बन जाता है कि अधिकारियों को बचाए, ये सब को लगता है समझ में आता। हर मंत्री आप कोई भी प्रश्न लगाए तो पहले वो मंत्री अधिकारी को बचाए, फिर आप दबाव बनाओगे तब जाके वो कार्रवाई करने के लिए तैयार होगा, और कार्रवाई कितने सालों में होगी इसका तो कहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जब विशेष न्यायालय कभी लाए तब हमने उन्हें बात रखी थी कि विशेष न्यायालय में आपने तय कर लिया कि 6 महीने के अंदर न्यायालय फैसला देगा, तो अपने जो विशेष न्यायालय में ट्रांसफर है, पर विशेष न्यायालय में प्रकरण ट्रांसफर करके देगा ऐसा कोई नहीं। आज तक 8 प्रकरण ट्रांसफर हुए हैं जबकि मध्य प्रदेश के न्यायालय में भ्रष्टाचार के 2000 प्रकरण लंबित है,
पंजीकरण वो क्यों नहीं ट्रांसफर हो गए, आपने दो न्यायालय बनाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए।